भाई हम इतने अच्छे तो हैं नहीं कि आम काट लें, खुद ही तो भेज दिया। आम कट के आएगा तो फिर हम यू नो मिल्क शेक पे रहेंगे उसके बाद। बट उससे पहले ये तो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो छोटी मोटी है ना, दूध वगैरह, बर्फ और मशीनरी अपनी रेडी कर लें, क्योंकि मशीन रेडी होगी तो सामान डालेंगे ना। मैंने कुछ एक दो वॉचेज मंगवाई थी जो कि ये हैं और आज के हैं, इसके अंदर कुछ ये हैं, कुछ ये सीन है बस। अब मैसेज मैंने किया था उससे, मैंने कहा था वही बताओ इसको लगाना किस तरह। सो ये इस तरह है, इसको लगाना पड़ेगा और इसको लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे चलें, चलिए तो जगह डिसाइड करते हैं कहाँ लगाई जाए। तो जगह डिसाइड कर दो, डिसाइड हो गई है। तो ये जगह है, अब ये जो दो चीज़ें लगी हुई हैं, लाइफ इज़ बेटर विद फ्रेंड्स, इसको मैं उठा के ऊपर ले जाऊँगा अपने कमरे में। और ये जो साथ वॉच लगी हुई है बिल्कुल ये, इसको भी गायब कर देंगे बिल्कुल, ये अपने काम के नहीं है। तो मेरे हाथ को फोकस नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, हम ये चीज़ गायब कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम अली यार, अभी मुझको ना अपनी स्केचबुक ढूँढनी है, और ये भी बताता चलूँ कि ये उस दिन का व्लॉग नहीं है जो मैं उस दिन शूट कर रहा था, ये आगे से चल रहा है। बहरहाल अभी मुझे रियान ने बताया कि उसे पता है कि स्केचबुक कहाँ है, तो उसे कहते हैं कि भाई तुम मिले रियान। यार नीचे से इतनी गर्मी बहुत थी तो मैंने सोचा कि आज छत पे कुछ सीन कर लिया जाए, तो छत पे हाजिर हैं। और रियान साहब जो अपनी स्केच बुक ले कर आए हैं, मतलब मेरी स्केच बुक जो थी तो मेरी, बट कब्ज़ा इन लोगों ने कर लिया होगा। कोई नहीं भाई, होता है, जब आप एक घर में रहोगे तो आपकी बहन भी आपकी चीज़ें तो छोड़ेंगे नहीं, तो बस यही हाल है। मेरी पहले आर्ट से हाजिर होते हैं, तो पहला स्केच जिसके अंदर ये सैमुराई जैक बना हुआ है। अब ये जो है ये आपके भाई ने थोड़ी बहुत, क्योंकि आपका भाई इतना मास्टर तो है नहीं कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी लेके चले, कोई नहीं होता है। एंड द सेकंड स्केच कहूँ या ड्राइंग कहूँ, सॉरी, तो ये किसकी है? छुपा जो रहा है ऊपर होना, ये बनाया है मेरी एक अदर सिस्टर ने, विच लुक्स अमेजिंग फॉर मी एंड आप लोगों का पता नहीं क्या कहते हैं आपको, ठीक है। तो यार अब एक और जो स्केच है वो बनाया है, ये भी ड्राइंग है, सॉरी क्या मैं स्केच स्केच लगाऊंगा यार, ड्राइंग है। और पीछे जो तोते हैं, जो तोतों की आवाज़ें आपको बहुत ही खतरनाक लगेंगे भाई, टेंटाएँ 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 ही होगी। और बार बार ऊपर देखने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो चीज है वो ऐसे बढ़ती है, जैसे तो आप अगर भाई इस चीज़ को लोग अगर ये चीज़ है रिमेंबर हो, अगर लोगों को मतलब याद हो, मतलब यार अगर याद हो लोगों को, तो कोई पिकाचू होता था पोकेमॉन, ये पिकाचू है। मैं था उस टाइम पे, बहुत ही फेवरेट कार्टून थे ड्रैगन बॉल जी,
ये बनाया है हमारे छोटे भाई दानी साहब ने बनाया। अब इन सब के बाद ना यार तोतों में सिर्फ एक दाना वगैरह जो है वो चेंज करना है, वो चेंज कर ले रहे तो उसके बाद मैं नीचे चलता हूँ या फिर ऊपर ही थोड़ी बहुत बात करके ख़त्म किया जाए इसको, क्योंकि बहुत पुराना चल रहा है तो इसको ख़त्म करते हैं। बाकी यार आप लोगों को पता है कि आपको भाई कितना लेजी है, और इस लेज़ीपन का मुजाहरा करते हुए हम जो ब्लॉग्स हैं बहुत ज़्यादा लेट अपलोड करते हैं, और अपलोड क्या करते हैं महीने महीने तीन तीन महीने का हमारा गैप है, पता नहीं कब से चैनल स्टार्ट किया और अभी तक वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। कोई नहीं, अपना टाइम आएगा, अल्लाह ताला हमें भी हिदायत देगा और हम भी तो। बट यार बहुत होगी इधर उधर की बातें, कुछ सीरियस बात कर लीजिए भाई। इस कोरोना की वजह से बहुत से लोगों की जॉब्स वगैरह चली गई, बहुत से लोग जो हैं जिनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो भाई जो आप लोग हैं जो अच्छे लोग हैं जिनका जिन लोगों का उन्हें पता है कि भाई ये जो है इसके घर में कुछ नहीं है खाने को, तो भाई जाएँ जाके उसकी मदद करें। अगर आप ख़ुद नहीं मदद कर सकते तो भाई किसी को कहें कि भाई जाकर उसकी मदद करें, क्योंकि भाई आपके इसी काम की वजह से एक तो आपकी नेकियाँ बढ़ेंगी और दूसरा आपको उसकी दुआएं भी मिलेंगी। जब आपको उसकी दुआएं मिलेंगी तो जाहिर सी बात है आपको ही फ़ायदा है, मेरा तो फ़ायदा नहीं है। मैं तो बस ये चाह रहा हूँ कि भाई जो हम हैं बताते जाएं। तो देखो बेशक अल्लाह ताला सबके साथ है, बट अल्लाह ताला ये कहता है कि कोशिश करो, ठीक है। अब जो लोग जिनका जो बेरोज़गार है उनके लिए भी भाई एक मैसेज है कि भाई आप लोग कोशिश करें, क्या पता अल्लाह ताला आपकी रोज़गार का कोई सबब बना दे। जब आप कोशिश ही नहीं करेंगे, आप लोगों के पास जा जा के ऐसे कहेंगे, आप लोगों के पास जा कर बेशक ठीक है आप राशन कभी गए हैं, बट आप जाकर उनको ये भी कहेंगे भाई कहीं जॉब है, कहीं अपॉर्चुनिटी है, कुछ भी हो आप जॉब करें, रिस्क कमाएँ, हलाल कमाएँ। बट एक सबसे बड़ी बात ये है कि भाई रिस्क कमाओ बट उसको हलाल तरीके से कमाओ और हलाल तरीके से उसको यूज़ करो, और अल्लाह ताला की राह में ज़रूर उसका कुछ हिस्सा दिया करो। जब आप उसका कुछ हिस्सा देंगे तो आपकी जो रिस्क है, जो आपका रिस्क है उसके अंदर इजाफा होगा, यानी कि कमी होगी। ठीक है आप लोगों ने इतना दिया, आप समझते हैं कि यार अब ये हो गया वो हो गया, बट आपको इस चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला जितना देता है उसके अंदर सब्र शुक्र करेंगे तो आपके रिस्क में इजाफा होगा। अगर आप लोग ना शुक्र ही करते रहेंगे तो भाई इसके अंदर कुछ नहीं है, आपको एक नहीं वाला मिल रहा है, आपके अल्लाह तेरा शुक्र है। और हम भी रेगुलर व्लॉग्स बनाएंगे और रेगुलर अपलोड करेंगे, शायद फिर हमारा भी कुछ बन जाए। बाकी अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, गर्मी है, पसीना है, टी शर्ट है, ये ग्लासेस हैं, ये बाल हैं, और ये एक शक्ल है जो आप देख रहे हैं। बस मेरा यही था एक छोटा सा व्लॉग जिसके अंदर मैंने थोड़ी बहुत अच्छी बातें कर ली, थोड़ी सी चुगलियाँ मार ली। चलता है लाइफ है, यू नो लाइफ के अंदर इतना कुछ तो चलता है। अगर मैं व्लॉग्स में चुगलियाँ नहीं मारूंगा तो आप लोग कहोगे यार लड़का ठंडा है, लड़का ठंडा, लड़के के अंदर कुछ है नहीं, कोई बात नहीं है। बट कोई नहीं, अगर ये व्लॉग ठंडा गया तो अगले वाले को हम इंटरेस्टिंग बना देंगे, मसला कोई नहीं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, कैमरा मैन मोहम्मद मुंतसिब के साथ मुंतसिब मारूफ चैनल यूट्यूब।